पायल पहने चुड़ैल पहुंची सीतापुर। वो चुड़ैल कहीं भी अचानक जमीन से निकलती और जमीन में छुप जाती थी। लोगों का जीना बेहाल हो चुका था। लोग कहीं भी चलते जमीन देख देख के चला करते थे। दो अनजान राही जंगल से होते हुए शहर की तरफ जा रहे थे। मित्र, जमीन की तरफ देखते हुए चलो, क्या पता वो चुड़ैल हमारे पैरों के नीचे ही हो। अरे सच कहा मित्र, कहीं वो हमारे शरीर की सुगंध से इधर ना आ जाए। जल्दी जल्दी चलो। वो आदमी डरे डरे चलते रहते हैं। तभी उन दोनों को पायल की आवाज सुनाई देती है। दोनों डरे हुए बोलते हैं, भाई ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे मित्र, ये तो हमारे जमीन के अंदर से आ रही है। वो दोनों आदमी एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अरे बचाओ बचाओ। और तभी चुड़ैल जमीन को फाड़ते हुए बाहर निकलती है और उन दोनों के सामने खड़ी हो जाती। अब कौन बचाएगा तुम्हें? अकेले अकेले कहाँ भागे जा रहे हो? मेरा पेट तो भरते जाओ। चुड़ैल जी, हमें छोड़ दीजिए, हम आपके लिए शहर से स्वादिष्ट भोजन लेते आएंगे। तुम दोनों पहले शहर जा पाओगे तब तो। और चुड़ैल दोनों को जमीन में ही गाड़ देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। उन दोनों आदमियों के केवल सर ही बाहर दिखाई दे रहे थे और पूरा शरीर जमीन के अंदर था। दोनों चिल्लाते रहते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। कुछ देर बाद ही वहाँ से एक बैलगाड़ी वाला गुजरता है। वो दोनों को चिल्लाते देख तुरंत अपनी बैलगाड़ी रोकता है। अरे भाइयों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ हम नहाने आए हैं। अरे तुम गधे हो क्या, दिख नहीं रहा? चुड़ैल ने हम दोनों को बंद कर दिया है। अरे भाई जल्दी निकालो, कहीं वो चुड़ैल फिर ना आ जाए। तभी फिर से वहाँ पायल की आवाज़ आती है। अरे ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है? दोनों आदमी डरे हुए बोलते हैं, लगता है वो चुड़ैल फिर जमीन के अंदर से आ रही है। और देखते ही देखते वो चुड़ैल फिर से जमीन के अंदर से निकलती है और बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इन दोनों को बचाओगे? अब तुम भी जमीन के अंदर जाओगे। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब तुम इसकी सजा भुगतो। और तभी चुड़ैल उस बैलगाड़ी वाले को भी आधा जमीन के अंदर गाड़ देती है। वो चुड़ैल काफी बदमाश होते जा रही थी और जमीन से बाहर निकलती और फिर जमीन के अंदर छुप जाती। वो चुड़ैल गांव में भी सबको खूब परेशान करने लगती है। वो लोगों के सामने अचानक जमीन से निकलती और लोगों को आधा जमीन में गाड़ के खुद जमीन के अंदर गायब हो जाती। अभी अचानक एक औरत के सामने चुड़ैल बाहर निकलती है। अब तो तुम गई, मुझे खूब मजा आएगा तुम्हें जमीन में गाड़ने में। वो औरत चुड़ैल को देख के भागने लगती है, बचाओ बचाओ चुड़ैल। और तभी वो चुड़ैल आती है और उसे जमीन में गाड़ के वहाँ से जमीन के अंदर घुस जाती है। सब लोग उस औरत को देखने लगते हैं। अरे क्या किया है उस चुड़ैल ने? बचाओ बचाओ, मुझे कोई बाहर निकालो। सभी गांव वाले उस औरत को खूब खींचते हैं, पर कोई भी उसे बाहर नहीं खींच पा रहा था। अरे ये बाहर क्यों नहीं निकल पा रही है? इसे कैसे भी बाहर निकलना होगा। सारे लोग मिलके उसे बाहर खींचते हैं, पर वो बाहर नहीं निकल पाती है। तभी वहाँ से एक बाबा गुजरते हुए जाते हैं। सभी गांव वाले उस बाबा से मदद मांगते हैं। बाबा हमारी मदद कीजिए, एक बहुत ही अजीब चुड़ैल हमें बहुत परेशान कर रही है और सभी को जमीन के अंदर गाड़ दे रही है। मुझे सब मालूम है, मैं उसी चुड़ैल को पकड़ने आया हूँ, वो काफी बदमाश चुड़ैल है। बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं और हाथ में जल लेते हुए उस औरत के ऊपर फेंकते हैं। ओम चामुंडाय नमः। और तुरंत वो औरत बाहर निकल आती है। सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और बाबा सभी से बोलते हैं, तुम सब मेरे साथ साथ चलो और उस चुड़ैल को ढूंढने में मेरी मदद करो। जैसे ही वो चुड़ैल बाहर निकले मुझे बताना। ठीक है बाबा। सभी गांव वाले चुड़ैल को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी जमीन के अंदर से चुड़ैल की आवाज आती है, तुम सब मुझे नहीं पकड़ पाओगे, हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। और तभी वो चुड़ैल अचानक जमीन से निकलती है और तेजी से जमीन में ही छुप जाती है।
चुड़ैल हंसते हुए तुरंत गायब हो जाती है। तुम लोग मुझे नहीं पकड़ पाओगे। और फिर से जमीन के अंदर छुप जाती है। मुझे जल्द ही इस शरारती चुड़ैल का कुछ ना कुछ करना होगा। अभी बाबा सभी गांव वालों से बोलते हैं, तुम सभी गांव वालों अपने अपने घरों में पानी गर्म करो, जितना पानी हो सके उतना गर्म करो। ठीक है बाबा। सभी गांव वाले अपने अपने बर्तनों में पानी गर्म करने लगते हैं और पानी गर्म करके वो सभी बाबा के पास लाते हैं। लीजिए बाबा, पानी गर्म हो चुका है। अब तुम सब लोग ये पानी को जमीन में हर जगह गिरा दो और तुम सब छुप जाओ। सभी लोग बाबा की बात मानकर पूरे जमीन में गर्म पानी फेंकने लगते हैं और जैसे ही गर्म पानी फेंकते हैं, सारा गर्म पानी जमीन के अंदर जाने लगता है और जमीन के अंदर चुड़ैल छुपी हुई चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, और चिल्लाते हुए जमीन के बाहर निकल आती है। और जैसे ही बाहर आती है, बाबा आंख बंद करके गंगा जल उस पर फेंक देते हैं और वो चुड़ैल मूर्ति बन जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब से मैं शरारत नहीं करूंगी। तुमने सबको परेशान किया है, तुम्हारी यही सजा है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सबको परेशान किया है, अब मैं किसी के साथ शरारत नहीं करूंगी। बाबा फिर से जल लेते हैं और उसके ऊपर फूंकते हुए बोलते हैं, तुम एक चूहा बन जाओ। और बोलते ही चुड़ैल चूहा बन जाती है। अब तुम्हारी यही सजा होगी कि तुम चूहा बन के रहोगी और जब एक साल तक सीधी बन के रहोगी फिर वापस तुम पहले जैसी बन जाओगी। वो चुड़ैल चूहा बन जाती है और वापस जंगल में चली जाती है और तब से सारे गांव वाले बिना किसी डर के वापस गांव में घूमने फिरने लगते हैं। संदेश, बुद्धिमानी में ही चतुराई है, चतुराई से बड़े बड़े बहादुर हार जाते हैं। ये कहानी सोनपुर गांव की है जहां लोग एक चुड़ैल से काफी परेशान थे। एक काफी डरावनी चुड़ैल रात को आती और उसके सामने जो दिखता उसे पकड़कर ले जाती। सभी गांव वाले काफी चिंतित और परेशान थे। क्या करे भाइयों, उस चुड़ैल ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है, पता नहीं वो हमारा पीछा कब छोड़ेगी। सच कहा भाइयों, वो चुड़ैल तो हमारे गांव के पीछे ही पड़ी है, ऐसे करके तो वो हम सबको गांव से गायब कर लेगी। भाइयों, हमें सरपंच जी के पास जाना चाहिए और उनके साथ मिलकर हमें कोई ना कोई उपाय ढूंढना चाहिए। हाँ भाइयों, हम सब कल सुबह जाएंगे क्योंकि चुड़ैल के आने का वक्त शुरू हो गया है। सभी डरे हुए अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। चुड़ैल आती है और गांव के इधर उधर देखती है। कहाँ गए सबके सब, लगता है सबके सब डर कर बैठे अपने अपने घरों में। तभी चुड़ैल को सामने दो बैल दिखते हैं। वो चुड़ैल बैल को ही पकड़कर ले जाती है। लगता है गांव के लोग बैलों को छुपाना भूल गए, मैं इस बैल को ही ले जाऊंगी। गांव के लोग उसे हवा में उड़ते देख डर जाते हैं। उसी गांव में एक काफी हिम्मत वाला घनश्याम नाम का होशियार आदमी रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और एक बच्चा था। चुड़ैल को देखकर उसका बेटा डर जाता है और बोलता है, पिताजी पिताजी, ये चुड़ैल तो सभी को पकड़ कर ले जा रही है, एक दिन हमें भी पकड़ कर ले जाएगी क्या? नहीं नहीं बेटा, वो चुड़ैल हमें कुछ नहीं करेगी, जो डरेगा सिर्फ उसी को ही चुड़ैल पकड़ेगी। अगले सुबह गांव वाले और घनश्याम सभी साथ में सरपंच जी के पास जाते हैं। सरपंच जी, हम गांव वालों की मदद कीजिए, हमारे बैलों को वो शैतान चुड़ैल पकड़ कर ले जा रही है। और मालिक, बच्चों का बाहर निकलना भी जुर्म हो चुका है। तभी सरपंच जी डरे हुए बोलते हैं, भाइयो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी तो मामूली इंसान हूँ, मैं उस चुड़ैल का सामना कैसे करूँ। मालिक, हम सबको कुछ ना कुछ उपाय तो ढूंढना होगा। तुम सभी बताओ कोई उपाय। सभी मिलकर कुछ देर सोचते हैं, फिर घनश्याम बोलता है, मालिक वो चुड़ैल हमारे गांव आती है क्योंकि उसे स्वादिष्ट भोजन चाहिए, अगर हम खुद से उसके लिए मिठाइयाँ ले जाएंगे तो वो हमारे गांव में आना छोड़ देगी। बात तो ठीक है, पर कौन जाएगा उसके पास, अगर हमें ही खा जाए तो।
सभी चुड़ैल के पास जाने से डरते हैं और फिर घनश्याम बड़े हिम्मत से बोलता है, मैं जाता हूँ चुड़ैल के पास, मैं जाकर चुड़ैल से बात करता हूँ। सभी गांव वाले तुरंत मान जाते हैं। अगले शाम होते ही घनश्याम ढेर सारे मिठाइयाँ और स्वादिष्ट भोजन लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। कुछ दूर जाते ही वहाँ जंगल में बिजली गरजने लगते हैं और काफी अंधेरा हो जाता है। घनश्याम हिम्मत करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। घनश्याम आगे बढ़ता रहता है, तभी अचानक उड़ते हुए चुड़ैल आती है और बोलती है, मेरा शिकार खुद चल के आया है, आज मैं इसे खा जाऊंगी। घनश्याम डर जाता है पर हिम्मत करते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ, तुम एक बार खा कर तो देखो। चुड़ैल शांत हो जाती है और बोलती है, तुम मुझे बेवकूफ बनाने आए हो, इसमें तुम कुछ मिला कर लाए हो ताकि मैं खाते ही मर जाऊं। नहीं नहीं, तुम्हें विश्वास ना हो तो मैं खुद खा कर देखता हूँ। खा लेता है और फिर बोलता है, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। चुड़ैल फिर तुरंत भोजन ले लेती है और खाने लगती है। चुड़ैल तुरंत ही सारा भोजन सफाचट कर देती है। वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन है, मजा आ गया। ऐसा भोजन मैं तुम्हारे लिए रोज लाया करूँगा, तुम बस हमारे गांव मत आना। ये सुनकर चुड़ैल थोड़ा सोचती है और फिर बोलती है, देखो इन सब भोजनों से तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मैं चुड़ैल हूँ, मुझे जानवर या इंसान के मांस चाहिए होंगे। ये सुनकर घनश्याम थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है, तो ठीक है तुम हमारे गांव भी आ जाना, लेकिन एक समय तय कर लो और उसी समय में तुम आना, और जो भी जानवर बाहर मिलेंगे सिर्फ वही जानवरों को तुम खाओगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। तभी घनश्याम जाने लगता है और थोड़ी दूर जाकर फिर वापस आता है और बोलता है, अच्छा ये लो, मैं तुम्हारे लिए सुंदर सा एक पायल लाया था, इसे पहनकर ही गांव में आना, तुम और भी सुंदर लगोगी। ठीक है, मैं अब से रोजाना रात के 9 से 12 बजे तक आऊंगी और जो भी मुझे बाहर मिलेगा मैं उसे खा लूंगी। घनश्याम उसे पायल देकर वहां से चला जाता है और जैसे ही गांव पहुंचता है सारे गांव वाले घनश्याम पर टूट पड़ते हैं और उसे पूछने लगते हैं, क्या बोली वो चुड़ैल, तुम्हें छोड़ दिया उसने। तुम सब शांति से सुनो, वो चुड़ैल रात के 9 से 12 बजे तक आएगी और उस बीच में उसे जो कुछ भी बाहर मिलेगा वो उसे ले जाएगी, इसलिए सभी लोग अपने घर में छुप जाना और अपने जानवरों को भी छुपा देना। अरे कहीं वो पहले आ गई तो? मैंने बड़े ही चालाकी से उसके पैरों में पायल बांध दी है, उसके आवाज से हमें पता चल जाएगा कि वो कब आएगी और कब जाएगी। घनश्याम की इस चालाकी से सभी बहुत खुश हो जाते हैं। आज रात होते ही वो चुड़ैल आती है और सभी लोग अपने साथ साथ जानवरों को भी घर में छुपा लेते हैं और किसी को ना पकड़ कर वो चुड़ैल चली जाती है। अगले दिन फिर वो आती है और फिर उसके पायल की आवाज सुनकर सभी घर में घुस जाते हैं और पायल की आवाज बंद होने से सभी बाहर निकल आते हैं। ऐसा रोज होने लगता है और पायल की आवाज से सभी घर के अंदर घुस जाया करते। बेचारी चुड़ैल को कई दिनों से भोजन नहीं मिलता है और वो कमजोर होने लगती है। ऐसे तो मैं जल्दी ही कमजोर होकर मर जाऊंगी, अब से मुझे दूसरे गांव जाना होगा, यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली है। और चुड़ैल उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव चली जाती है। कई दिनों तक पायल की आवाज नहीं आती है और सभी गांव वाले समझ जाते हैं कि चुड़ैल यहाँ से जा चुकी है। संदेश, हमें मुसीबत के वक्त समझदारी से काम लेना चाहिए।